स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई एम हियर अगेन विथ अ न्यू टॉपिक दैट विल क्लियर योर मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ सम क्वांटिफायर्स। कुछ क्वांटिफायर्स, ये मेरा डिटरमाइनर का थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुछ क्वांटिफायर्स का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजिंग क्वांटिफायर्स है जिसके लिए हमेशा लोग कन्फ्यूज रहते हैं, उसको हम जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हिंदी मतलब जानेंगे तो हिंदी मतलब सारे का सेम ही होता है। हम लोग यहाँ समझते हैं इंग्लिश में उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। या कुछ वर्ड्स मैंने लिखा है जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, तो ये जो छः तरह के क्वांटिफायर्स हैं मेनली, इसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, और भी सारे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग समझेंगे, लेकिन ये जो है ये मेनली हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसको हम लोग सेंटेंसेस में, जैसे कुछ क्वेश्चन है फिल इन द गैप्स का, उनसो फिल इन द ब्लैंक्स का, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैंने दो कॉलम बना लिया, जैसे कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये काउंटेबल्स हैं। ठीक है, यानी कि गिनने वाले चीज़ों में हम लोग इस वर्ड्स का यूज करते हैं। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल्स हैं, यानी जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं उसके साथ हम लोग इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब यहाँ हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ कहाँ करेंगे और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ कहाँ करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे हम जो है समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो है वो काउंटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो हम गिन सकते हैं उसके पहले हम इन सब क्वांटिफायर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोलने का मतलब है कि मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है लेस देन फाइव, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि ये जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है। निगेटिव सेंस कहने का मतलब है कि आप बहुत ही मायूस होकर कह रहे हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, वॉट टू डू, मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स है, चार पांच फ्रेंड्स है जिससे मेरी बातचीत होती रहती है, यानी वो चीज़ें जो है निगेटिव सेंस में यूज़ की जाती है। उसके बाद अ फ्यू अगर हम आते हैं तो आई फ्यू जो पॉजिटिव सेंस में आता है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लाइक राम, राम के जैसा मेरे भी जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उतना है जिससे मेरा जो है हम किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हो सके, यानी मेरे पास जो है सफिशियंट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद द फ्यू, अ फ्यू मतलब मोर देन फाइव आप ले सकते हैं, द फ्यू का मतलब है कि आपके पास ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है, यानी इनफ। अगर राम के पास, अगर राम के अगर 10 फ्रेंड्स हैं तो आपके हो सकते हैं 8 हो, 9 हो फ्रेंड्स हो, तो वहाँ हम लोग द फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि जैसे फ्यू हो गया निगेटिव सेंस में यूज़ करने के लिए, अ फ्यू हो गया थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री, और द फ्यू हो गया जहाँ आप जो है ना डिससेटिस्फाइड हैं और ना ही सेटिस्फाइड हैं, यानी कि आपको पूरा नहीं है लेकिन पूरा से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ऐसा करते हैं आप ये चीज़ें समझ रहे हैं जो काउंटेबल्स में यूज होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। जैसे मान लेते हैं कि लिटिल जो है इसका मतलब आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, अगर लिटिल हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि इतना वाटर है जो पीने लायक नहीं है, मतलब हम पी नहीं सकते, बहुत कम वाटर बचा हुआ है। ये मान लीजिए अगर ये बॉटल है आपका, ठीक है, तो यहाँ पानी जो है इतना है, आप पी नहीं सकते, पीने लायक नहीं है, यानी कि ये भी जो है निगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और लिटिल का मतलब है कि आपके पास इनफ पानी है आपके बॉटल में, मान लेते हैं यहाँ तक इनफ पानी है जो आपकी प्यास को बुझा सकता है। ठीक है, आई हैव अ लिटिल नॉलेज माने आपके पास सफिशियंट नॉलेज है, कम नॉलेज नहीं है लेकिन कुछ नॉलेज है आपके पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द लिटिल का, तो ये हो गया मान लीजिए लिटिल के लिए, ये हो गया आपका, ये हो गया द लिटिल के लिए, ये लिटिल के लिए,
और अगर हम बात करते हैं द लिटिल का, तो इसमें आपके पास पूरा पानी तो नहीं है लेकिन कम भी पानी नहीं है, जिससे आप खुद भी पी सकते हैं, दूसरे को भी पिला सकते हैं। यानी पूरा बॉटल आपके पास पानी नहीं है, लेकिन आपके पास सफिशियंट पानी है, सफिशियंट से कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन पूरा नहीं है। नॉट एट द ब्रिम, नॉट अप टू द ब्रिम, मतलब गले तक नहीं है या पूरा भरा हुआ नहीं है। तो ये सारे कुछ बेसिक यूजेस हैं, आशा करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जो कुछ चीज़ें ऐसे मनी, मनी को हम लोग अनकाउंटेबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि मनी को जो है हम लोग प्रॉपर्टी के रूप में भी देखते हैं, लैंड के रूप में भी देखते हैं, ज्वेलरी के रूप में भी देखते हैं, गोल्ड के भी रूप में देखते हैं। इसलिए जो है मनी काउंटेबल नहीं है, इसलिए मनी के लिए हम लोग फ्यू मनी नहीं, लिटिल मनी यूज़ करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को समझ पाए हैं। थैंक यू। अभी तो पिक्चर बाकी है स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि अभी हमने जो डिस्कस किया आपका जो क्वांटिफायर्स, फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, और द लिटिल, इसको और अधिक अच्छे समझने के लिए कहा जाता है कि एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट टीचर्स। एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बेस्ट टीचर्स होते हैं, और इसके बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, यहाँ पर फोर एग्जाम्पल्स हमने लिया है, ताकि यहाँ पर हमने दो ही चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटिल फ्यू, अ लिटिल एंड अ फ्यू। ठीक है, तो 6 में से 4 को हमने लिया है, ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आवर टीचर इज डिसअपॉइंटेड, उसके बाद कॉलोन का साइन है, वेरी डैश पेरेंट्स केम टू सी आवर एग्जीबिशन। हमारे टीचर्स जो है काफ़ी मायूस थे, क्यों भाई? एग्जीबिशन में हमने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन जो है बहुत ही कम पेरेंट्स आए। अब इतने कम पेरेंट्स आए जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमने बताया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने आपको डिवाइड करके बताया कि जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो होते हैं उसको काउंटेबल्स में हम लोग रखते हैं, और लिटिल, अ लिटिल, और द लिटिल को हम लोग अनकाउंटेबल्स में रखते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पेरेंट्स की संख्या जो है वो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी? सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। काउंटेबल होगी, वेरी गुड, काउंटेबल होगी। तो काउंटेबल होगी तो इसका मतलब है कि अ लिटिल और लिटिल को हटा देते हैं, वो दोनों में से कोई होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि फ्यू और अ फ्यू दोनों में से एक होगा। तो मैंने बताया कि ये देखिए क्या है, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस आ रहा है? तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल होता नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निगेटिव सेंस है, यानी कि अ फ्यू नहीं होगा, यानी क्या होगा फिर, क्या बचा? वो फ्यू होगा, यानी कि यहाँ ब्लैंक्स में हम लोग क्या भरेंगे? फ्यू। काफ़ी आसान है। सेकेंड ब्लैंक देख लेते हैं, आई हैव डैश मनी एट लीस्ट इनफ टू बाय यू एन आइसक्रीम, मेरे पास उतने पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, खरीद के दे सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे हैं। बहुत सारे दोस्तों लोग जाते हैं हम लोग समोसा खाने, फिर पूछते हैं यार तुम आज खिलाओ कुछ, चलो तो अपने वॉलेट को चेक करते हैं, पर्स चेक करते हैं, भैया पैसा है कि नहीं, इनफ, चलो पैसा है जो है हम इसको खिला सकते हैं। तो हमारे पास जब इनफ पैसे होते हैं, यानी ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस नहीं है। यानी पैसे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसे जो होते हैं, मनी जो होते हैं, अनकाउंटेबल में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ फ्यू और फ्यू नहीं होगा, अ लिटिल और द अ लिटिल और लिटिल दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ समझ लीजिए कि पॉजिटिव सेंस है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, इतने पैसे हैं, काफ़ी पैसे हैं जिससे हम उसको आइसक्रीम खरीद के दे सकते हैं, इसका मतलब है कि हाँ हमें अ लिटिल यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी ऊपर में। समझ गए आप लोग, ऑल लिटिल यूज़ करना पड़ेगा। ऑल लिटिल जो है काफ़ी सफिशियंट पैसे हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ हमने यूज़ किया फ्यू। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, मैक्स नोज डैश फ्रेंच, इट इज़ नॉट इनफ टू गेट अराउंड पेरिस। मैक्स किसी लड़के का नाम है, नोज डैश फ्रेंच, फ्रेंच वो जितना जानता है, कितनी फ्रेंच हमको आनी चाहिए ताकि हम
पेरिस घूम सकें, लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। अच्छी खासी आनी चाहिए, काफ़ी कुछ आनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्रीली आनी चाहिए। कुछ कम में हम कुछ नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते हैं। यानी समझ जाइए कि जो भाषा जानने की जो चीज़ है वो गिन नहीं सकते हम, अनकाउंटेबल होगा। तो मैक्स नोज लिटिल। लिटिल फ्रेंच, काफ़ी कम फ्रेंच उसको आती है, जो काम नहीं चल सकता उससे, यानी नेगेटिव सेंस है, बहुत कम फ्रेंच आती है जिससे वो पेरिस नहीं घूम सकता है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपनी अगर कुछ ज़रूरत होगा तो हम मांग नहीं सकते। तो यहाँ पर लिटिल नेगेटिव सेंस के लिए, आई हैव डैश वाटर इन माई बॉटल, इट कैनॉट क्वेश माई थर्स्ट। आई हैव डैश वाटर इन माई बॉटल, इट कैनॉट क्वेश माई थर्स्ट। मेरे बॉटल में बहुत कम पानी है, इससे मेरी प्यास बुझ नहीं सकती है। बहुत कम पानी है, मैंने आपको बताया बहुत कम पानी है, नेगेटिव सेंस यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिटिल। आई होप आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे और बहुत आसानी से इस तरह के वर्कशीट को आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।